गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। ठंड बहुत ज़्यादा है आज। रात को मैं व्लॉग एंड वो करना ही भूल गई थी, मतलब कुछ बोला ही नहीं। मैं नीचे से ऊपर आ गई, कुछ बोला ही नहीं, बस उठी हूँ बस अभी सुबह सोकर। तो बस अब थोड़ा काम वाम करके फिर नाश्ता वगैरह करूँगी और कपड़े धो लेती हूँ जब तक, और दिखाती हूँ वेदांश क्या कर रहा है आप सबको। वेदांश, ये वेदांश का क्रैडल है, इसके अंदर वेदांश आराम से खेलता है। ये यहाँ से स्विंग हो जाता है और मतलब वाइब्रेशन हो जाती है, यहाँ से स्लीपिंग मोड पे भी चला जाता है ये बेड। ये स्पेशल मैंने वेदांश के लिए लिया था, वेदांश को हमने गिफ्ट किया था, मैंने और रिंकू ने फर्स्ट क्राई से लिया था हमने ये। हमने वेदांश को चिल्ड्रंस डे पर गिफ्ट किया था। देखो इसके अंदर ये टॉयज हैं ये सारे। तो गाइस मैं नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ते में है चीज़ ऑमलेट और दूध है मेरा। ये देखो विदु को खा के मिलती हूँ, ठीक है गाइस। गाइस जैसे कि आप सबको पता है आज मकर संक्रांति है, तो हमारी चौमिन पार्टी हो रही है। जुगनू भैया है, रिंकू है, मैं हूँ और हमारा विदु। ये रहा विदु, ये रहे जुगनू भैया। हेलो, आपका ये लगा हेलो इधर देख के हाथ हिलाओ। तो हम चौमिन खाएंगे, खाएंगे चौमिन। ये विदु के बलून ये लगे हुए हैं गाइस। तो घर पे चिकन बना था जो कि मेरे को पसंद नहीं है, मैंने बस ग्रेवी से रोटी खाई थी, दो रोटी बस, और मुझे भूख लग रही है तो मैंने रिंकू को बोला है, उन्होंने मेरे लिए बर्गर किंग से बर्गर ऑर्डर करिए, चीज़ बर्गर। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगाया है, व्लॉग में बने रहना, देखना लोहड़ी मकर संक्रांति ये व्लॉग साथ ही आएगा, ठीक है गाइस। और रिंकू सीरीज़ देख रहे हैं हॉटस्टार पर, परंपरा आज काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप लोग भी देखना। देखो गाइस पॉज कर रखिए क्योंकि अभी रिंकू गए हैं नीचे, तो आ गए ऑर्डर लेकर, आ गए, आ गया ऑर्डर, ऑर्डर आ गया है गाइस। तो मैंने दो मंगाए हैं अपने बर्गर, क्रिस्पी वेज। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है सैटरडे, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, रिंकू भी घर पे हैं, हमने नाश्ता कर लिया था पहले ही, अब हो गया लंच का टाइम, अब हम लंच कर रहे हैं। तो लंच में बनाया है मक्की की रोटी, सरसों का साग, साग दो तरह का है, एक है चिकन साग और एक है वेज साग। चिकन में साग में मम्मी ने चिकन डाल दिया जो कि रिंकू खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी, मैं वेज वाला साग खाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस ये बनाई है दादी जी ने, मक्की की रोटी, साग है और ये चिकन है, और विदु सो रहा है और ये खड़े रिंकू टीवी चला रहे हैं, ठीक है गाइस। खाना खाने के बाद मिलते हैं गाइस। इसको देख लो आप लोग, मुझे नींद आ रही है और ये मुझे सोने नहीं दे रहा है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोच रही थोड़ी देर सो जाऊँ, ये भाई साहब मेरे को सोने ही नहीं दे रहे हैं, ना ये पापा के पास जा रहे हैं ना ये दादी के पास जा रहे हैं, ये बस मेरे पास बैठे हैं और मेरे को सोने ही नहीं दे रहे। तो गाइस मेरा गार्लिक ब्रेड खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने रिंकू को बोला है कि गार्लिक ब्रेड ले आओ, तो वो मेरे लिए गार्लिक ब्रेड ले आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल टॉपिंग की है, कुछ भी नहीं है गाइस। रात के 2:10 होने वाले हैं और वेदांश को आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, ये देख लो, इसको बिल्कुल भी नहीं सोना है और इसको बस खेलना है। बहुत शैतान हो गया वेदांश, ये ऐसी करता पूरी रात, हमको ऐसी जगाता है। देखो गाइस दोनों पापा बेटे कैसे मस्ती कर रहे हैं रात, ये रोज का इसका यही है टाइम। देखो गाइस दो दो सोने वाले, देखो गाइस कैसे कर रहे, पापा के साथ खेल रहे, इसको मजा आ रहा है गाइस, हमारा रोज का ऐसे ही होता है। ना ये मम्मा को सोने देते ना पापा को,
चलो ठीक है गाइस, कल संडे है तो पापा जाग रहे हैं, ठीक है। पर जब रिंगू को ऑफिस जाना होता है ना, तब भी ऐसे करता है, बट मैं रिंगू को सुला देती। देखो ये, देखो ये ना ऐसा साउंड निकाल रहा है, इसको मजा आ रहा है साउंड निकालने में। बहुत शैतान हो गया गाइस मेरा विद्यू, बहुत ज्यादा विद्यान शैतान हो गया, ऐसे होता है। मजा आता है गाइस बच्चों के साथ बहुत, हमारा तो बहुत अच्छा टाइम पास होता है वेदांश के साथ। सो जा, तुम सो जा, कुछ नहीं कर रहा। ये भी बड़ा खराब है, इसको पता चल जाता है मम्मा फोन लेके खड़ी है। वेदांश को देख लो, रात के 2:10 हो रहे हैं और ये कैसे कर रहा मस्ती पापा के साथ। मैं सो रहा हूँ इधर ही, रुक मैं सो रहा हूँ। मम्मी अभी इतनी जोर से आवाज निकाल रहा था, आ, आ, आ। देख लो पापा को पुच्ची कर रहा अपने। रात के 3 बज चुके हैं, वेदांश अभी भी खेल रहा है। बलून और ये दोनों खेल रहे हैं। हेलो गाइस, आज संडे है और खाना चल रहा है, लंच टाइम हो गया और मैंने पूरा घर फैला रखा है कि मैं आज काम करूँगी। ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है थोड़ा बहुत, अलमारी वगैरह क्लीन कर ली है, काफ़ी कर ली। ये लो ना, वेदांश मेरी गोदी में ही है, दूध निकाल दिया इसने। चलो ठीक है गाइस, आती हूँ अभी। तो गाइस आज है संडे, जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में पहले ही बताया ही था, लॉकडाउन है तो बुआ का फ़ोन आया मुझे, बुआ आई है तो मैं भी जा रही हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ, वेदांश को लेकर जा रही हूँ। ये रवि दू, ठीक है मिलती हूँ घर जाके। ये तैयार हो, मास्क लगा के ऐसे भी देखो। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, जैसा कि आप सब देख सकते हो, तो मैं आपको अपने वंशु भैया से मिलाती हूँ। ये मेरा भैया पढ़ रहा है इसको बहुत शर्म आती है। मेरा चौथा भैया, ये मेरा बहुत अच्छा भाई है ना, अच्छा है ना। और वंशु मैं कौन हूँ? सुरभि दीदी। चलो वेदांश को दिखाती हूँ, देखो कैसे मस्ती कर रहा है बुआ के साथ। ये अपनी बुआ नानी के साथ है और ये बैठी है मॉम, और ये रहे पापा। पापा ने बनाया चावल। तो अभी मंगवाया है डोमिनोज से जिंगी पनीर जिंगी पार्सल, अनियन पिज्जा और पनीर अनियन पिज्जा। और वेदांश ने ना जोशु के ऊपर ना दूध निकाल दिया पूरा पूरा मुंह के ऊपर, मैं शूट नहीं कर पाई, मैं साफ कर दिया है। ठीक है गाइस, तो गाइस पापा ने कैसे किया, पापा व्हाट आर यू डूइंग। रिंकू आ गया मेरे को लेने के लिए, तो पापा ने अपने प्यारे लाडे सर जमाईसा के लिए बनाई है चाउमीन। देखते हैं ये खा के इनको कैसी अच्छी लगती है। तो चाउमीन खा के कैसी लगी आपको? पेट मत दुखाना है, ठीक है पापा। पापा वेदांश के कान में बोल रहे थे पेट मत दुखाना बेटा, मम्मा चाउमीन खाएगी, है ना पापा? चाउमीन खा पे ली पे। अच्छा हाँ, कैसी लगी चाउमीन? बढ़िया बनाई है। बढ़िया बनाई है, चलो ठीक है पास कर दी। और आपको, आप ऐसे क्यों बैठे जोशु? जीजू की बातों में हंस रही हूँ। क्या बात है जीजू? मैंने सीख बर गाइस मैं घर आ गई हूँ, मेरा होम स्वीट होम। क्या है?